आज हम सीखने वाले बॉक्स में कैसे लॉगिन करके सिंक करते हैं। ओके, पहले जैसे मैं बॉक्स इंस्टॉल किया लेकिन मैं पासवर्ड भूल गया, तो कैसे करना है वो देखते हैं। बॉक्स पे गया, ईमेल आईडी डाल के रिसेट पासवर्ड मारा। जैसे रिसेट पासवर्ड मारा, यहाँ पे आपको मेल आ जाता है तुरंत। तो यहाँ पे गया मैं और रिसेट पासवर्ड पे क्लिक किया। रिसेट पासवर्ड क्लिक करने के बाद मैं अपना पासवर्ड रखता हूँ। रिसेट किया, जैसे रिसेट किया फिर से मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करके सेव किया, ठीक है। अभी मैं बॉक्सिंग इंस्टॉल करता हूँ। बॉक्सिंग यहाँ पे गया, इंस्टॉल बॉक्सिंग यहाँ पे जाके यहाँ पे दिया जाएगा डाउनलोड इंस्टॉल स्टेप्स, ये वाला यहाँ पे क्लिक करेगा जैसे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है सिंक। जैसे डाउनलोड हुआ इसको मैं करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। एग्री इंस्टॉल, इंस्टॉल के लिए थोड़ा टाइम लगता है। बॉक्सिंग और बॉक्स में क्या फर्क है बताता हूँ। ये बॉक्स बॉक्स एक जैसे अपना गूगल ड्राइव है, वैसे अपना डाटा स्टोरेज करने के लिए बॉक्स एक साइट है हम लोग यूज करते हैं। और बॉक्सिंग कैसे बॉक्स ड्राइव और आपका फोल्डर को सिंक करता है, उससे कैसे आप फोल्डर में कॉपी पेस्ट मारोगे तो वो ऑटोमेटिक सिंक होकर बॉक्स में चला जाता है, तो आपको अलग से अपलोड करने का जरूरत नहीं। ये एक फायदा रहता है बॉक्सिंग का। जैसे मैं बॉक्सिंग इंस्टॉल करूंगा, यहाँ पे एक बॉक्सिंग करके एक फोल्डर आ जाएगा, उसके बाद वहाँ पे कुछ भी डाटा कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक बॉक्स साइट में सिंक हो जाएगा, अलग से अपलोड करने का जरूरत नहीं है। जैसे लॉन्च पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे एक और विंडो आता है बॉक्सिंग लॉगिन। फिर से आपका लॉगिन करना, जैसे जो पासवर्ड रिसेट किए ना वो। लॉगिन किया, लॉगिन करने देखो यहाँ पे लॉगिन किया, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट सिंकिंग पूछ रहे, तो यहाँ पे स्टार्ट सिंकिंग करना है। स्टार्ट सिंकिंग किया, अभी सेटिंग में जाना है और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका किसका लॉगिन रहता है यहाँ पे दिखाई देता है, जैसे मेरा है। और यहाँ पे बॉक्सिंग का फोल्डर यहाँ पे क्लिक करें, डायरेक्ट फोल्डर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया डायरेक्ट फोल्डर, देखो यहाँ लेफ्ट साइड में सिंक का एक फोल्डर भी आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी करते हैं ना तो यहाँ पे आपका यहाँ पे भी बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, सिंक पे गया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, मैं कुछ फोल्डर बनाता हूँ रिकॉर्डिंग। ये देखो सिंक हो रहे हैं, येलो सिंक हो रहे हैं। जूम करके देखो यहाँ पे, देखो ये जो दिख रहा है येलो कलर का ये सिंक हो रहा है। जैसे ये ब्लू कलर हो जाता है तो समझ लो ये सिंक हो गया, सेम ऐसे ही रहता है। अब देखो ब्लू हो गया, ये सिंक हो गया। और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश मारोगे ना तो यहाँ पे वो फोल्डर यहाँ पे शो हो जाएगा, शो हो गया रिकॉर्डिंग का। अभी देखो एक मैं बनाता हूँ, जैसे अपना कुछ लाइव रहता तो स्ट्रीम देख होता है, ठीक है। स्ट्रीम स्ट्रीम देख एक फोल्डर बनाया, रिकॉर्डिंग फोल्डर बनाया, रिकॉर्डिंग के अंदर मैं फिर से बना लेता हूँ, फोल्डर वाइज बनाना है एच सी। और रिकॉर्डिंग देता हूँ अपना वाइट एल सी, लाइव कोर्स है अपना जो कोर्स रहता है उसका, और यूट्यूब का रिकॉर्डिंग। और यूट्यूब के अंदर भी जाएंगे ना, यहाँ पे फोल्डर वाइज कर देंगे
नवंबर 2020 डेट के हिसाब से फिर से यहाँ पे जो भी वीडियो डालना है डालना है। टीम ब्रेक भी रहेगा तो वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालना है। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे तो फोल्डर बनना दिया लेकिन यहाँ पे सिंक हुआ या नहीं एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे जैसे हुआ ना यहाँ पे रिफ्रेश मारना, रिफ्रेश मारने के बाद देखो यहाँ पे दो बन गया। मैं बनाया था यहाँ पे फोल्डर लेकिन यहाँ पे भी ऑटोमेटिक सिंक होके बन गया। अभी मैं दिखा रहा हूँ अपना वीडियो कैसे कॉपी पेस्ट करना। तो यहाँ पे मैं गया मेरा सी ड्राइव में एक वीडियो रखा था मेरा, और वीडियो याद रखो कभी भी वीडियो MP4 में देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा मेरे पास एक वीडियो है वो MP4 का है। यहाँ से मैं कॉपी किया और बॉक्स सिंक पे गया और यहाँ पे रिकॉर्डिंग है ठीक है। तो यूट्यूब में गया और आज के डेट पे गया, यहाँ पे पेस्ट किया। जैसे पेस्ट करता देखो यहाँ पे येलो कलर है, सिंक हो रहा है बॉक्स के साथ। जैसे पूरा फुल सिंक हो जाता है वो ब्लू हो जाएगा ठीक है। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ और बीच बीच में रिफ्रेश मारेंगे। देखो यहाँ पे अभी मैं रिफ्रेश मारा, देखो यहाँ पे ब्लू हो गया। अब यहाँ पे कैसे अभी 005 तो दिखा रहा है। यहाँ पे फिर से मैं एक बार हार्ड रिफ्रेश मार देता हूँ। हार्ड रिफ्रेश मार दूंगा तो वहाँ पे जो अपलोड हुआ रहेगा ना यहाँ पे ऑटोमेटिक सिंक हो गया। तो देखो यहाँ पे 1 फाइल दिख रहा है, मतलब ये वीडियो आ गया यहाँ पे सिंक हो। तो यहाँ पे गया रिकॉर्डिंग में और यूट्यूब में किया था यूट्यूब में, और 13 तारीख के अंदर गया और देखो ये वीडियो मेरे यहाँ पे आ गया। तो ये वीडियो मैं दूसरे को कैसे शेयर करूँ, तो मैं यहाँ पे देखो क्रिएट कॉपी शेयर लिंक, यहाँ पे मैं किया क्लिक, यहाँ से लिंक कॉपी किया और अपना जो सीट रहता है वहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ से लिंक कॉपी किया और अपना जो सीट रहता है वो वहाँ पे पेस्ट कर दिया। वहाँ से मतलब जिसके साथ भी शेयर रहेगा वो सीट वो वहाँ से पिक कर लेगा। आज के लिए इतना है, थैंक यू।